हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल सर और आप देख रहे हैं हेडवे ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आज के क्लास में हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल के बारे में। होप आपको क्लास पसंद आया होगा और आपकी बोर्ड की तैयारी सही चल रही होगी। तो चलिए देखते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज़ वन, ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का पावर वन हो तो हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। हियर इज़ योर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर वन है एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो एंड सेकेंड एग्जाम्पल है y माइनस सिक्स इज इक्वल टू टू। यहाँ देखेंगे कि x का जो पावर है वो क्या है, वन है। ठीक है, x का पावर यहाँ पे वन है, x का पावर यहाँ पे वन है, यहाँ पे देखिए y का पावर भी वन है, इसलिए क्या है ये लीनियर इक्वेशन। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल कहने का मतलब है हमारे पास दो सेट ऑफ इक्वेशन आएंगे, उसमें x और y हो सकता है, y और z हो सकता है, वेरिएबल तो कुछ भी हो सकते हैं, उनके मान मैथमेटिकल इक्वेशन में चेंज होते रहते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है 3x plus 2y is equal to 5 and x plus y is equal to 2। ऐसे ही सेकेंड एग्जांपल है हमारे पास 9y plus z is equal to 2 and y minus z equal to 3। अब हम इसके बाद देखेंगे इनके कितने सॉल्यूशन होते हैं, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो हमारे पास इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होता है, पहला होता है कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन का। यूनिक सॉल्यूशन को देखने से पहले मैंने आपको यहाँ पे कुछ लीनियर इक्वेशन के एग्जांपल दी, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखे हुए हैं ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इक्वल टू सी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल टू सी टू, इसी फॉर्मेट में आपका लीनियर इक्वेशन होगा। तो लीनियर इक्वेशन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, गिवन सेट ऑफ इक्वेशन से ए वन बी वन सी वन और ए टू बी टू सी टू कंपेयर कर लेना है। कंपेयर करने के बाद हम चेक करेंगे कि a1 वन बाई ए टू इज़ नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन का है। दूसरा हमारे पास है नो सॉल्यूशन के लिए a1 वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू। और तीसरा कंडीशन है हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में a1 वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू। तो इन कंडीशंस का उपयोग करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के सिस्टम ऑफ इक्वेशन x माइनस के वाई इज इक्वल टू टू एंड थ्री एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू माइनस फाइव हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है यूनिक सॉल्यूशन पे। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे गिवन। तो गिवन में आपके पास आएगा x माइनस के वाई इज इक्वल टू टू इक्वेशन नंबर वन और थ्री एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू फाइव इक्वेशन नंबर टू। तो यहाँ पे आप लिखेंगे हियर ए वन इज इक्वल टू आपके पास कितना है वन, ए टू इज इक्वल सॉरी बी वन इज इक्वल टू आपके पास कितना है माइनस के और c1 वन इज इक्वल टू आपके पास कितना है टू। सिमिलरली a2 टू इक्वल टू आपके पास है थ्री, b2 टू इज इक्वल टू आपके पास है टू और c2 टू इज इक्वल टू आपके पास है फाइव। तो फ्रॉम कंडीशन लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, फ्रॉम कंडीशन, कंडीशन क्या कहता है क्वेश्चन का, यूनिक सॉल्यूशन है तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन लगाएंगे a1 वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये a1 का वैल्यू है वन, a2 का वैल्यू है थ्री, इज नॉट इक्वल टू माइनस के अपान टू। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग विल गेट x इज इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री। यहाँ पे हम लोग इट इज नॉट इक्वल टू है ना, यहाँ लिख के आपको आंसर खत्म नहीं करना है, आंसर आपको आगे लिखना है। हेंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इक्वेशंस
यूनिक सॉल्यूशन एक्सेप्ट के इक्वल टू -2/3। एक्सेप्ट के जगह में आप अदर देन भी लिख सकते हैं, दोनों चलेगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हमने कैसे सॉल्व किया, सबसे पहले सेट ऑफ इक्वेशन लिखे, फिर यहाँ से A1, A2, B1, B2 और C1, C2 कंपेयर किया, कंडीशन लगाया। कंडीशन लगाने के बाद हमको K का एक ऐसा वैल्यू मिला जो रखने पर सिस्टम का इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन नहीं देता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द व्हाट वैल्यू ऑफ K फॉर विच फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 8x + 5y = 9 और kx + 10y = 15। चलिए लिखेंगे, गिवन 8x + 5y = 9 इक्वेशन नंबर 1 और kx + 10y = 15 इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिखेंगे फिर से हियर a1 = कितना है आपके पास 8, b1 = कितना है आपके पास 5 और c1 = कितना है आपके पास 9। सिमिलरली a2 = आपके पास कितना है k और b2 = आपके पास कितना है 10 एंड c2 = 15। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, सिस्टम है, सिंस सिस्टम हैव नो सॉल्यूशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन का हमारे पास कंडीशन अभी अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है, a1 / a2 = b1 / b2 ≠ c1 / c2। इस कंडीशन को लेके चलेंगे हम लोग। ठीक है, इसको पार्टीशन कर देते हैं ताकि आपको क्लियर रहे। तो यहाँ से रख देंगे a1 / a2 वगैरह का वैल्यू। ठीक है, कितना है 8 / k = 5/10। यहाँ से बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं इसको, इज इम्प्लाइज दैट k = 8 × 10/5। तो आपके पास आ जाएगा k की वैल्यू काट देंगे, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 8 × 2 = 16। ठीक, देयरफॉर For k = 16, system of equations have unique solution। ये हो गया आपका आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग को एक चीज़ देखना है, मेथड फॉर सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के जो पेयर है उनको सॉल्व करने के कितने तरीके हैं। पहला तरीका होता है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड और तीसरा है ग्राफिकल मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है देखते हैं। एलिमिनेशन मेथड में आपको दो इक्वेशन मिलेंगे, दोनों इक्वेशन में से आपको एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, आइदर सब्ट्रैक्ट करके और एडिशन करके। अगर वेरिएबल के कोफिशियंट सेम ना हो तो आपको कुछ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो पहला इक्वेशन जो मैंने लिया है तो बहुत आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन, और यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर ध्यान देंगे कि अगर वेरिएबल के सिंबल सॉरी साइन सेम हो तो आपको एडिशन करके सॉल्व करना है। ठीक है, अगर साइन सेम हो तो सब्ट्रैक्ट करना है, सॉरी अगर साइन सेम हो, हाँ ठीक है, x + y = 7 इक्वेशन 1 और x - y = -1। तो यहाँ पे देखेंगे
दो इक्वेशन हैं, दोनों में से वाई का आप साइन लिखेंगे, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो हमारा काम इसको ऐड करने पे बनेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, आपके पास क्या आ जाएगा, वी हैव आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -1। दोनों को सॉल्व कर देंगे, वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 6, देन एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट जरूर लगाएंगे आप लोग, है ना, 6/2 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे हमारे पास, इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू पुट करना है एक्स का, एक्स इक्वल टू 3 इन कोई भी इक्वेशन में आप रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप इक्वेशन नंबर 1 पे रख लीजिए, आसान होगा। इक्वेशन नंबर 1 वी हैव, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको वाई का वैल्यू मिल जाएगा, देखिए 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, देन वाई इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, यहाँ पे क्या आ गया, देयर फोर एक्स इक्वल टू 3 और वाई इज इक्वल टू आया आपके पास 4। ठीक है, ये हमने आसानी के साथ एलिमिनेशन मेथड यूज कर लिया है। चलिए अब अगला मेथड देखते हैं, सब यहाँ पे भी एलिमिनेशन मेथड है। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ बच्चों को कठिन लगता है क्योंकि यहाँ पे रूट आ गया है, तो कठिनाई वाली बात नहीं है, आप आराम से बनाएंगे तो बनेगा। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, गिवन प्रोसीजर वही है। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले सेट ऑफ इक्वेशन को लिखना है, हमारे पास सेट ऑफ इक्वेशन है रूट 7x प्लस रूट 11y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है रूट 3x माइनस रूट 5y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। देखिए यहाँ पे लास्ट जैसे क्वेश्चन मैंने बताया था कि अगर प्लस माइनस हो तो आपको क्या करना है, ऐड करना है, लेकिन यहाँ पे देखिए रूट 11 है, यहाँ रूट 5 है, कटेगा नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनके साथ कुछ मल्टीप्लिकेशंस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 11 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 55 आता है, मतलब रूट 5 का मल्टीप्लाई ऊपर करना है और रूट 11 का मल्टीप्लाई नीचे करना है, तो उसी को लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 इंटू रूट 5 प्लस इक्वेशन नंबर 2 इंटू रूट 11 वी हैव। तो ऐसे करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 5, रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा रूट 35 एक्स प्लस यहाँ हो जाएगा रूट 55 वाई, 0 इंटू रूट 5 करेगा तो 0 आएगा। नीचे देखिए रूट 7 का करना है तो हमारे पास आ जाएगा, सॉरी 11, रूट 11 का करना है तो हमारे पास आ जाएगा रूट 33 एक्स माइनस यहाँ हो जाएगा रूट 55 वाई इज इक्वल टू 0, और हमको इनको करना है ऐड। ठीक है, तो ये कट गया और आपके पास क्या आ गया, रूट 35 प्लस रूट 33 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद आपको क्या कर देना है, कर देना है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आंसर आपके पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 0 अपॉन रूट 35 प्लस रूट 33, इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो फिर क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 1 पे रख देते हैं, वी हैव
वन पे रखने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, वन पे जैसे ही आप रखेंगे तो आपके पास मिल जाएगा रूट सेवन इंटू जीरो प्लस रूट इलेवन वाई इक्वल टू जीरो, तो आपके पास आ जाएगा रूट इलेवन वाई इज इक्वल टू जीरो इज इम्प्लाइज दैट वाई इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे एक्स और वाई का आंसर क्या आया आपके पास, देयर फोर एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। तो बहुत ही आसानी के साथ आप एलिमिनेशन मेथड बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने आपको थोड़ा सा डील किया था, चलिए क्वेश्चन में कंप्लीटली देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि वन, पेयर ऑफ इक्वेशन को लिखेंगे टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आपके पास है एट, इक्वेशन नंबर वन, और यहाँ पे है एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस वन, इक्वेशन नंबर टू। ठीक, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ y को ट्रांसपोज कर रहा हूँ। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू हम लोग लिख सकते हैं x माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस वन, और इज इम्प्लाइज दैट x को अपने तरफ रखिए आप, और क्योंकि y में माइनस है इसलिए मैंने अपने सिंप्लिसिटी के लिए इसको ले गया हूँ। ठीक है, राइट साइड ये हो जाएगा वन प्लस टू वाई। अब x की वैल्यू माइनस वन प्लस टू वाई पुट कहाँ करना है, इक्वेशन नंबर वन पे। ठीक है, जैसे ये पूरा इक्वेशन किसके जैसा हो जाएगा, वाई वाला हो जाएगा। ठीक है, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर थ्री, तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर वन पर। ठीक है, वी हैव, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा देखिए टू टाइम्स एक्स की वैल्यू कितनी थी माइनस वन प्लस टू वाई इज इक्वल प्लस वाई इज इक्वल टू एट। सॉल्व करके क्या आएगा, माइनस टू प्लस फोर वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एट, तो आपके पास क्या आ जाएगा फाइव वाई माइनस टू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा एट प्लस टू, सॉल्व करेंगे आपके पास आ जाएगा वाई इक्वल टू एट प्लस टू हुआ टेन, टेन डिवाइडेड बाई फाइव, तो हमारे पास आंसर आ गया वाई की वैल्यू टू। अब वाई का वैल्यू आप इक्वेशन नंबर थ्री में रख देंगे, बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन नंबर कहाँ रख देंगे थ्री, वी हैव क्या आ जाएगा आपके पास एक्स इज इक्वल टू माइनस वन प्लस टू टाइम्स टू इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस वन प्लस फोर। ठीक है, इज इक्वल टू थ्री, देयर फोर एक्स इक्वल टू आ गया आपके पास थ्री एंड वाई इज इक्वल टू आपके पास कितना आ रहा है टू, ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, ये हमने एक सब्स्टिट्यूशन मेथड देख लिया, इसके बाद ग्राफिकल मेथड भी देखेंगे। चलिए देखते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। देखिए 2018 सेट ए बी सी तीनों में छः नंबर का एक क्वेश्चन है, फोर एक्स माइनस फाइव वाई इक्वल टू ट्वेंटी एंड थ्री एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल टू फिफ्टीन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा बनेगा, ठीक है, लेकिन आसान है, घबराना नहीं है आपको, है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। ग्राफिकल मेथड देख के कुछ बच्चे बोलते हैं बहुत लंबा बनेगा, कैसे बनाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, बन जाएगा, बहुत आसान है। गिवन फोर एक्स माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी, इक्वेशन नंबर वन, और है थ्री एक्स प्लस फाइव वाई
इज इक्वल्स टू 15, इक्वेशन नंबर 2 ये, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 को लिखेंगे, यहाँ पे आएगा 4x माइनस 5y इक्वल टू आपके पास है 20। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे 5y, y को मैं राइट साइड लेके जा रहा हूँ, 20 को लेफ्ट तरफ लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो 4x माइनस 20 यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 4x माइनस 20 डिवाइडेड बाई 5, ठीक। अब हमको क्या करना है, x की वैल्यू अपनी मर्जी से पुट करनी है और y के वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इफ x इक्वल टू मैं ले लेता हूँ माइनस 5, देन y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 4 इंटू माइनस 5 है ना, और माइनस कितना आ जाएगा, अच्छा ये प्लस होगा है ना, ये प्लस आएगा, प्लस होगा क्योंकि 20 अपने तरफ है, और अच्छा ओके माइनस ही होगा, फोर एक्स माइनस सिक्स, वापस देख लेते हैं, 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 20, तो 5y इज इक्वल टू आपके पास है 4x माइनस 20, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, x इक्वल टू माइनस 5 जब मैंने लिया है तो आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस 20 अपान 5, तो कितना आ जाएगा ये, 4 5 जब 20 माइनस 20 माइनस 20 और 7 पे आ जाएगा अपान 5, तो ये आ जाएगा y की वैल्यू आपके पास, y इज इक्वल टू माइनस 40 डिवाइडेड बाई 5, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 8, 5 एट दर 40। सिमिलरली इफ x इक्वल टू 0 तो y क्या आ जाएगा आपके पास, 4 टाइम्स 0 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 5, ये हो जाएगा माइनस 20 अपान 5, तो ये हो जाएगा माइनस 4। इफ x इक्वल टू 5 ले लेते हैं तो आपके पास y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपके पास आएगा y इज इक्वल टू 4 इंटू 5 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 5, ये हो जाएगा 20 माइनस 20 अपान 5, कितना हो जाएगा, 20 माइनस 20 हो गया 0 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना आ जाएगा ये 0, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई 0। यहाँ पे हम लोग एक टेबल बना लेते हैं कि x और y का पहले इक्वेशन के लिए क्या क्या आया है, ठीक है। अपने ग्राफ को प्लॉट करना है इसलिए पहले एक कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, सबसे पहले हमने x का क्या वैल्यू लिया था माइनस 5, तो y का वैल्यू आया था माइनस 8, फिर उसके बाद मैंने लिया x की वैल्यू 0 तो y का वैल्यू आया माइनस 4, एंड देन मैंने लिया प्लस 5 तो y की वैल्यू आई 0। चलिए y के लिए भी ऐसे ही निकालते हैं इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 3x प्लस 5y इज इक्वल टू हमारे पास है 3x प्लस 5y इक्वल टू 15, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, 5y को अपने तरफ रखना है और x 3x को ट्रांसपोज कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 15 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 5। अब यहाँ से रखेंगे इफ x इक्वल टू माइनस 5 देन y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 15 माइनस 5
डिवाइडेड बाय 5, ये हो जाएगा 20, ठीक है, इनटू 20 प्लस कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, है ना, डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा 5 लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 5 3 15 50, अच्छा सॉरी यहाँ पे आ जाएगा ये 20 नहीं है, तो देख लेते हैं 15 प्लस 15, है ना, तो 15 प्लस 5 3 15 15, ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 5, तो आपके पास आंसर कितना आया यहाँ पे 5 6 30। आगे देखेंगे, इफ x इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 माइनस 3 टाइम्स 0 अपॉन 5, तो ये y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 15 बाई 5, इसको हम लोग लिखेंगे 5 3 15। सिमिलरली इफ आपके पास अगर आ जाता है, हम लोग लेंगे x इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो y की वैल्यू हो जाएगी 15 माइनस 3 टाइम्स 5 डिवाइडेड बाय 5, ये हो जाएगा 15 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आएगा आपके पास y इज इक्वल टू 0। बॉक्स अभी भी बना लेंगे, लिखेंगे x y, सिंपल सा बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं, और x और y की वैल्यू किस में रख देंगे, तो x की वैल्यू हमने क्या लिया था, सबसे पहले लिया था -5, फिर 0, फिर +5, तो y की वैल्यू हमारे पास कंटिन्यूसली आई 6, उसके बाद आई 3, उसके बाद क्या आया 0 आया, ठीक है। तो दोनों ही इक्वेशन से अभी हमको प्लॉट करना है, एक ग्राफ बना लेते हैं, वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे 0, ओरिजिन है 1 2 3 4 5, ये x एक्सिस है आपका, दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज x डैश, और नीचे वाला क्या है y डैश, ये जा रहा है आपका 8 तक वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आप लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। अब प्लॉट करते हैं, सबसे पहले आया था -5 8, तो x में देखेंगे -5, y में देखेंगे 8, ठीक, ये लगभग आ रहा है यहाँ पे, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे आ रहा है, ग्राफ पेपर में आप बनाएंगे तो एक्यूरेट बनेगा, ठीक है, -5 8। ये बस सेकेंड पॉइंट आपके पास था 0 -4, एक्स में 0, वाई में -4, ये पॉइंट आपको मिल रहा है। ये तीसरा पॉइंट आपको मिल रहा है 5 और 0, एक्स में 5, ठीक है, और वाई में आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा, ठीक है, एक्स में 5 और y में आपको 0 मिलेगा। अच्छा पहले वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं वहाँ पर,
माइनस एट है, गलत प्लॉट कर दिया, नीचे आएगा ये वैल्यू, ठीक है, इरेज कर लेते हैं। पहला जो वैल्यू प्लॉट करना था हमको, एक बार देखेंगे वापस, माइनस फाइव माइनस एट, माइनस फाइव माइनस एट इधर आ जाएगा, ये होगा माइनस एट आपका, ठीक। तो यहाँ पे कहीं पे ये पॉइंट मिलेगा आपको, उसके बाद है फाइव और ज़ीरो, यहाँ पे ये लाइन मिल जाएगी आपको लास्ट वाली, 50 है ना, ये देखिए 50। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सेकेंड इक्वेशन के लिए, माइनस फाइव सिक्स, तो माइनस फाइव तो सिक्स, यहाँ पे कहीं पे मिलेगा आपको माइनस फाइव सिक्स, ठीक। उसके बाद सेकेंड क्या है, ज़ीरो थ्री, तो ज़ीरो और थ्री, और उसके बाद तीसरा पॉइंट है फाइव फिर ज़ीरो, यही वाला पॉइंट कॉमन है, ठीक है। अब इसको हम लोग मिला देते हैं, तो पहला लाइन कुछ ऐसा गया था हमारा, और सेकेंड लाइन हमारा कुछ ऐसा आया है, है ना। तो आपको ग्राफ से क्लियर हो गया होगा कि सॉल्यूशन क्या आएगा, ये एक पॉइंट है जहाँ पे दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ठीक है। ग्राफ पेपर में आप बनाएंगे तो मोर एक्यूरेट आएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे क्लियरली एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, ये आपका सॉल्यूशन है ना, 50, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, 5, और y की वैल्यू आ रही है 0, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यूनिक सॉल्यूशन है। तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0, ये आपका हो गया आंसर। ग्राफिकल मेथड थोड़ा सा टाइम टेकन है, ठीक, बन जाएगा लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 14 एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 448, देन फाइंड द नंबर, क्या आ जाएगा। तो पहले लिखेंगे लेट द नंबर्स, लेट द नंबर्स आर एक्स एंड वाई, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, फ्रॉम क्वेश्चन, क्वेश्चन से आप क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 14, ये पहला इक्वेशन। दूसरा एंड क्वेश्चन क्या बोलता है, द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया है, 448, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने का तरीका है, आप इस इन दोनों को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। एलिमिनेट कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, ये आ जाएगा आपके पास एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 448, ठीक। ये इक्वेशन आपको दिख गया। अब क्या कर सकते हैं, फ्रॉम इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3, दोनों इक्वेशन को देखो, एक्स माइनस वाई पुट कर दो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, तो 1 एंड 3 से आप क्या लिख सकते हैं, वी हैव 1 एंड 3 से आप लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी आई, 14, ठीक है, और आपके पास आ जाएगा 448, ठीक। तो आपके पास आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 448 डिवाइडेड बाई कितना, 14, 14 से डिवाइड कर देंगे, 14 थ्री जा 42, बचा 2, 14 टू जा 28, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, x की वैल्यू x प्लस वाई इक्वल टू आ गया 32, x प्लस वाई इक्वल टू आ गया 32। अब एलिमिनेशन लगा देंगे, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4,
तो लिखेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर वन प्लस इक्वेशन नंबर फोर, आपके पास आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 14 और x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 32। दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा y से y कटेगा, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू और प्लस टू 6, 1 प्लस 3 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 46 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा आपके पास 23। अब हम लोग क्या करेंगे, एक वैल्यू पुट करेंगे है ना, x की वैल्यू पुटिंग द वैल्यू ऑफ x कहाँ आप करेंगे इनटू इक्वेशन नंबर फोर में रख लेते हैं, तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा 23 प्लस x y इज इक्वल टू आएगा 32, तो y इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 32 माइनस 23, ये आ जाएगा 12 माइनस 3 9, और यहाँ पे कितना बच गया, कुछ नहीं बचा, ठीक है मैं यहाँ लिख देता हूँ आंसर को। Therefore x इक्वल टू आपके पास आया है 23 और y की वैल्यू आपके पास आया है 9। देखिए दोनों को घटा के देखेंगे तो 14 ही आएगा, ठीक है, और स्क्वायर करके जब आप दोनों को घटाओगे तो 448 आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ 3 चेयर एंड 2 टेबल इज 1200 एंड द कॉस्ट ऑफ 2 चेयर एंड 3 टेबल इज 1550 एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर एंड 1 टेबल, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या मानना पड़ेगा, चेयर को मान लेंगे x, टेबल को मान लेंगे y, लिखेंगे यहाँ पे गिवन नहीं, यहाँ पे लेट करके लिखना पड़ेगा आपको। लेट चेयर इक्वल टू एक्स एंड टेबल को हम लोग क्या मान रहे हैं, टेबल इक्वल टू वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1200 इक्वेशन नंबर वन, और दूसरा क्या बोलता है, टू चेयर्स है ना, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1550 इक्वेशन नंबर टू। दोनों को सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर वन इंटू टू माइनस इक्वेशन नंबर टू इंटू थ्री, क्या मिल जाएगा आपके पास, देखो 2 3 6 x प्लस 2 2 4 y इज इक्वल टू 2400, और यहाँ आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करो 3 2 6 x प्लस 3 3 9 y इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3 0 0 3 5 15 कैरी ओवर 1 3 5 15 प्लस 1 16, ठीक है 3 1 3 प्लस 1 4, ठीक है। माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, एक्स से एक्स वाला काट दो, 4 में 9 गया, कितना आ जाएगा माइनस 5 y इज इक्वल टू, ये भी आ जाएगा माइनस पे आपके पास, चलिए घटाते हैं, 0 में 0 गया, ठीक है, और 5 माइनस 0 गया 5, के बाद 6 माइनस 4 गया 2, 4 में 2 गया 2, 2250। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल आउट हो गया डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ जाएगा 5 4 20 बचा कितना 2, 5 5 25 0 450, ठीक। अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम
इक्वेशन नंबर वन ले लेते हैं, 3x प्लस वाई की जगह हम क्या लिख देंगे, 450 इज इक्वल टू 1200, तो आपके पास आ जाएगा 3x और ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने पे 900 इज इक्वल टू 1200, तो आ जाएगा आपके पास 3x इज इक्वल टू 1200 माइनस 900, या आपके पास आ रहा है 300 डिवाइडेड बाय 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 100। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन टेबल, तो वन टेबल का है 100 रुपये, तो वन टेबल का है आपके पास 450, मैंने क्या लिख लिया, पहले चेयर निकाल लिया था ना, पहले टेबल निकाल लिया था उसके बाद चेयर निकाला, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। कॉस्ट ऑफ वन चेयर, तो वन चेयर पे क्या आ जाएगा आपके पास 100 रुपीज़। ठीक है, एक्स को हमने चेयर माना था और टेबल माना था वाई को, ये आपका आंसर हो गया। टोटल बोलेगा तो आप दोनों को ऐड कर देना। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, 5 years ago आई वॉज 3 times एज ओल्ड एज माई सन, 10 years later आई शैल बी 2 times एज ओल्ड एज माई सन, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ माइन एंड माई सन। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको क्या करना है, प्रेजेंट एज को मान के चलना है। तो सबसे पहले मानेंगे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन पे, लेट माई प्रेजेंटेज, लेट माई प्रेजेंट एज कितना मान के चलेंगे, एक्स ईयर एंड माई सन्स एज, वाई ईयर। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, दो कंडीशन दिया हुआ है, पहला कंडीशन है ना, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन क्या लिखा है, 5 years ago, तो 5 years ago माई एज इज इक्वल टू 3 times My son से, तो 3-5 साल पहले मेरी उम्र कितनी हो जाएगी, x माइनस 5, और मेरे बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी, y माइनस 5, तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15, माइनस 5 उधर जाके क्या हो गया प्लस 5, तो आपके पास क्या आया, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, तो दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या था कि 5 साल पहले मेरी उम्र मेरे बेटे की उम्र की 3 गुनी है, तो हमने एक पहला इक्वेशन निकाल दिया, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, अब इसके बाद सेकेंड कंडीशन लिखेंगे, फ्रॉम कंडीशन नंबर टू क्या बोलता है कि 10 years later। ठीक, तो 10 years later मेरी उम्र कितनी हो जाएगी, x प्लस 10, मेरे बेटे की उम्र की कितनी हो जाएगी, 2 times y प्लस 10
इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपके पास आ जाएगा x प्लस टेन इज इक्वल्स टू टू वाई प्लस ट्वेंटी। तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ फटाफट से, क्या आ जाएगा आपके पास x माइनस टू वाई इज इक्वल्स टू ट्वेंटी, और उधर जा रहा है माइनस कितना 10। तो हम लोग लिख लेंगे x माइनस टू वाई इज इक्वल्स टू प्लस टेन। एक इक्वेशन नंबर कितना आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दो इक्वेशन आएगा x माइनस थ्री वाई एक्स माइनस टू वाई। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन नंबर वन क्या क्या गया है, मैं यहाँ पे पेज में लिख लेता हूँ x माइनस थ्री वाई इज इक्वल्स टू आया है माइनस टेन, और x माइनस टू वाई इज इक्वल्स टू आया है प्लस टेन। इन्हीं इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों में देखिए यहाँ पे थ्री है यहाँ पे टू है, ठीक। तो इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए पहले माइनस कर लेते, यहाँ पे देखिए एक्स और एक्स है, ठीक है। माइनस करने पे आसानी से बन जाएगा इक्वेशन नंबर वन माइनस इक्वेशन नंबर टू, वी हैव क्या मिल जाएगा हमको एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू माइनस टेन, और एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू मिल जाएगा टेन, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, और ये भी हो जाएगा माइनस। आपके पास कितना आ जाएगा, थ्री में कितना बचा माइनस वाई, ठीक है, और ये माइनस टेन, माइनस टेन कितना हो जाएगा माइनस ट्वेंटी। तो वाई का वैल्यू कितना आ गया 20, ठीक है, यस। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन नंबर टू, टू में रख देते हैं, वी हैव हमारे पास हो जाएगा x माइनस टू टाइम्स 20 इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 10, देन x इक्वल टू 10 प्लस 40 कितना हो जाएगा इयर्स। तो यहाँ पे लास्ट लाइन लिखेंगे देयरफॉर माय प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू कितना आएगा जी 50 इयर्स, एंड माय सन्स एज ये हो जाएगा 20 ईयर। ये दोनों के प्रेजेंट एज निकल गए, ये आपका हो गया आंसर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 टाइम्स अ टू डिजिट नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स अ टू डिजिट नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट एंड सम ऑफ द डिजिट इज 3, फाइंड द डिजिट्स। 2019 सेट ए बी सी तीनों में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो हमने हमको क्या मानना है, 10th प्लेस और 1st प्लेस को मान के चलना है, ठीक है। सबसे पहले मानेंगे लेट वंस प्लेस ऑफ अ नंबर बी एक्स एंड 10th प्लेस ऑफ अ नंबर बी वाई। अब क्या बोल रहा है, 7 टाइम्स अ टू डिजिट नंबर इक्वल टू, तो देन नंबर क्या मिल जाएगा आपको, देन नंबर इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 10 से प्लेस में क्या है वाई, तो 10 वाई प्लस 1 से प्लेस में क्या है एक्स, तो एक्स इंटू 1, ठीक। ये नंबर हो गया 7 टाइम्स अ टू डिजिट नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स अ टू डिजिट नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द नंबर, ठीक है। आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट क्या मिल जाएगा, द नंबर क्या मिलेगा हमको, नंबर
ये मिल जाएगा टेन एक्स प्लस वाई। अब यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कहता है सेवन टाइम्स ऑफ ए गिवन नंबर, तो टेन वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू फोर टाइम्स टू डिजिट नंबर ऑप्टेन बाई रिवर्सिंग द डिजिट। तो रिवर्सिंग द डिजिट किया तो हमने क्या मिल गया, टेन एक्स प्लस वाई, इनको सॉल्व कर लेते हैं, सेवेंटी वाई प्लस सेवन एक्स इस इक्वल टू आ जाएगा आपके पास फोर्टी एक्स प्लस फोर वाई, तो आपके पास आ जाएगा सेवन एक्स, ठीक है, माइनस 40x और इधर आ जाएगा प्लस 70y माइनस 4y इक्वल टू जीरो, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस 33x माइनस फिर आ जाएगा ये आपके पास 66y इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा 33 से डिवाइड, ये आ जाएगा माइनस x प्लस वाई टू वाई इज इक्वल टू आ जाएगा जीरो, इसको देंगे इक्वेशन नंबर वन। अगेन अकॉर्डिंग फ्रॉम क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है अगला देखेंगे, फ्रॉम क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आगे कहता है कि एंड द सम ऑफ डिजिट, तो दोनों को जोड़ने के बाद आपके पास कितना आ रहा है, थ्री, क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है। तो दोनों को जोड़ने के बाद हमारे पास कितना आ रहा है, थ्री आ रहा है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे तो हमारे पास वाई का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। एक पेज क्रिएट कर लेते हैं, ओके। तो इस इक्वेशन से देखिए हमारे पास क्या है, माइनस एक्स प्लस टू वाई, माइनस एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू जीरो, और है x प्लस वाई इक्वल टू थ्री, दोनों को ऐड कर देते हैं, x से x कट गया, आपके पास आया थ्री वाई इज इक्वल टू थ्री, देन y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, थ्री बाई थ्री आया वन, ठीक है। देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू के पास क्या मिल जाएगा, x प्लस वन इक्वल टू थ्री, देन x इक्वल टू आ जाएगा थ्री माइनस वन इक्वल टू टू, देयर फोर द नंबर, नंबर क्या था, टेन वाई प्लस एक्स, तो आ जाएगा टेन इंटू वन प्लस टू, ये आ जाएगा टेन प्लस टू इक्वल्स टू ट्वेल्व, ठीक है। तो नंबर हमारे पास आंसर कितना आया, 12 था, दोनों को जब ऐड करोगे तो कितना आएगा, 3, ठीक है। और जब दोनों को रिवर्स करके सॉल्व करोगे तो आपकी ये कंडीशन क्या हो जाती है, सेटिस्फाई। तो द रिक्वायर्ड नंबर कितना आया, 12, यही आपका क्या है आंसर। चलिए आज के लेक्चर के लास्ट करते हुए मैं आपको ग्राफिकल मेथड से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूँ, क्योंकि एक दो बार पूछा गया है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर देखिए दो ग्राफ में दो एक लाइन अगर एक दूसरे को कट करती है तो एलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होता है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, जिसको हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। दूसरा कंडीशन है कि अगर लाइन कोइंसाइड हो, ठीक है, दोनों लाइन एक के ऊपर एक हो, तो हमारे पास कितने सॉल्यूशन आते हैं, इनफाइनेटली मिनी सॉल्यूशन। और तीसरा, अगर लाइन्स आर पैरेलल हो तो हमारे पास एलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन होता है, नो सॉल्यूशन। तो इसको याद रखेंगे आप, ठीक है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।